नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। विवाह पंचमी महामहोत्सव शुरू, पहल दिन नगर दर्शन कराओल गेल। धनुषाक मऊआ स्थित सामुदायिक विद्यालय में विद्यार्थी के बसिया दीवा जल खाई देल गेल खुलासा, विद्यार्थी सब प्रदर्शन आ कार्रवाई के मांग। धनुषाक प्रवाह में 10 आ 16 वर्षक दूटा बचिया में मोतिया बिंदु देखल गेल, अंधा रहल कहित परिवार इलाज नहीं करौने पाओल गेल। कांग्रेस प्रदेश दू अधिवेशन समुद्घाटन में सीमित, मतदाता के नाम वाले निष्कर्ष नहीं लागल, शनि दिन मात्र चुनाव। आ मधेश आंदोलन सहितक महत्वपूर्ण आंदोलन से प्राप्त परिवर्तन से उपेक्षित वर्ग के अवस्था में एखनो सुधार नहीं भेल, जसपा अध्यक्ष यादव के पतन। आब समाचार विस्तार से। श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव के सप्ताहव्यापी कार्यक्रम अंतर्गत पहल दिन शुक्र दिन जनकपुर नगर दर्शन कार्यक्रम सम्पन्न भेल। दोपहर में राम आ जानकी के नगर दर्शन कराओल गेल। ओहि क्रम में राम आ जानकी के प्रतीक के जानकी मंदिर के प्रांगण में राखल गेल छल। एकर संगे रामायण के और पात्र सब के सेहो नगर दर्शन में सहभागिता कराओल गेल। एहि कार्यक्रम में राम सीता सहितक रामायण के अन्य पात्र सब के आगा नगरवासी के उपस्थिति करेबाक परंपरा रहल अछि। महामहोत्सव के कार्यक्रम अंतर्गत शनि दिन फुलवारी लीला हैत। राम आ सीता के शांत ठाम में भेंट घाट कराओल गेल। भेंट कराओल जाय वाला कार्यक्रम के फुलवारी लीला कहल जाइत अछि। राम आ सीता बीच पहिल बेर फुलवारिये में भेंट घाट भेल। पौराणिक कथा के आधार में फुलवारी लीला कार्यक्रम करबाक प्रचलन अछि। तहिना तेसर दिन धनुष यज्ञ, चारिम दिन तिलकोत्सव, पाँचम दिन मटकोर, छठा दिन शुभ विवाह अर्थात विवाह पंचमी आ सातम दिन राम कलेवा आयोजना कयल जायत। धनुषा के मऊवाही स्थित एकटा सामुदायिक विद्यालय में विद्यार्थी के बसिया जलखै खुआल जा रहल खुलासा भेल अछि। बसिया खिचड़ी खुओला के बाद विद्यार्थी सब आंदोलन में उतरल छनि। ओ सब प्रधान अध्यापक विरुद्ध प्रदर्शन कयलक अछि। प्रधान अध्यापक विद्यालय के राजनीति के अखाड़ा बनौने, भ्रष्टाचार में लागल समेत विद्यार्थी अभिभावक सहित स्थानीय वासी के आरोप अछि। रिपोर्ट। तोरा सके बच्चा के काल खाना खाए लागि देल कौ से कान बसिया रहू के टटका रह कथि देने हो। बाल बच्चा के कुपोषण से बचाव आ शिक्षण संस्था में आकर्षित करबाक उद्देश्य ल सरकार दीवा जल खै खुएबाक योजना लौलक अछि। मुदा बाल बच्चा के खुआओल जाय वाला जल खै में समेत भ्रष्टाचार आ मनमानी होब लागल, उपराग सब आब बढ़ित जा रहल अछि, जकर फलस्वरूप विद्यार्थी सब गुणस्तरहीन जल खै खाय बाध्य भ रहल अछि। अतेक धरि कि बसिया जल खै खुओने घटना समेत सार्वजनिक भेल अछि। ई घटना अछि धनुषाक मिथिला बिहारी नगरपालिका वार्ड नंबर 3 मिथिलेश्वर महुआही स्थित श्री माध्यमिक विद्यालय के। ओत बसिया जलखै खुओने कहित विद्यार्थी सब आंदोलन में उतरल अछि। प्रधानाध्यापक लाल बाबू यादव अपना सबके स्वास्थ्य संग खेलवाड़ केने, एक दू दिन पहिनहि के खिचड़ी खियाब लगौने विद्यार्थी सब के आरोप अछि। विद्यार्थी सब प्रधानाध्यापक यादव विरुद्ध प्रदर्शन समेत कयलक अछि। विद्यार्थी अभिभावक तथा स्थानीय वासी सब शुक्र दिन पत्रकार सम्मेलन का विद्यालय में देखल गेल विकृति सब बाहर लौने छथि। खिचड़ी मकौआ सब देले केना केना भ गेले, हमरा सब के उल्टी सब भ गेले, आ फिर अथी सब हलवा सब से गल पाछल देत रही, पानी सब द देत रही है, कहियो घुगनियो पानी वाला द दी है, अतना घुगनी लगे आ गई के पानी वाला बना दी। सब विद्यार्थी के एक रंग दै छी कि अलग अलग? सब विद्यार्थी के एक रंग। अच्छा फुलवा सब रहे बने सब खाना नहीं रहे, आ धियापुता सब खराब खाना दे अपना बना के खाई।
पढ़ाई क्या नहीं हुई? पढ़ाई बढ़िया नहीं हुई। क्या क्लास में पढ़ते हैं? तीन में। सर तो ओकरा हम सब कई बाजी गेल छी कंप्लेंट करब कोनो कारण के लिए पढ़ाई के लके चाहे कोनो कारण के लके तो कोनो रिस्पांस होय के नहीं दै छले आ हमरा सब के ऑफिस में से भगा दी छले। एना ते से पहिने हम सब गेल छलिए गर्मी के महीना रहै कि तो पंखा लागी कह तो पंखा लागी कंप्लेंट जे कने रही ने तो सर कथि कहलकै पंखा तो लगा दू लेकिन ओय के जिम्मेवारी ले आ साथ में इहो हमरा सब के कह के भगा गेल रहै कि कुछ दिन में जा रहली तो सब के ब्लैंकेटो के व्यवस्था कह देबो आ और के अथी पढ़ाई सबके बारे में जो कंप्लेंट करे गए नहीं ना तो कोनो रिस्पांस हुए सबके नहीं दे क्लास में टाइम पर नहीं टीचर हमरा सबके अबित रहे आ अबो करित रहे तो कुछ जे मन हुई से पढ़ा दित रहे पढ़ाबी कम रहे लेकिन अपने बारे में कुछ ज्यादा बजित रहे आ चल जाते रहे क्लास में से। अभिभावक लोकन समेत आक्रोश व्यक्त कलक विद्यार्थी सबके बसिया जलखई खुआने आ विद्यालय के शिक्षा के स्तर एकदमे खसकत जा रहा हुनका सबके आरोप है। बसिया खिचड़ी खुआला से किछ विद्यार्थी के स्वास्थ्य में प्रतिकूल असर पड़ल स्थानीय संजय कुमार ठाकुर बतौलने। स्कूल के विद्यार्थी सबके गुणस्तरहीन जलखई खुआल गेल समेत ओ पत्रकार सम्मेलन में आरोप लगौलन। सूजी जो होइ छै सूजी के हलवा में से विशेष काल बनल और खिचड़ी ज्यादातर बनै छै तो सूजी के की करै छै गरम पानी में हो या ठंडा पानी में वो हम नहीं कह सकब लेकिन पानी में चीनी घोर के बच्चा सब के लै जका अगर हमरा बुझाय गायो के देबे तो नहीं देते ओहन तरह के वो बच्चा सब के परसित गेलै आ ओहू में हम सब कहली कि मुँह देख के परसित दिया बता गया। अब मान लिये ओतः अगर स्कूल में पार्टीगत अहाँ जानबे राजनीति अहाँ करे छी तो अहाँ सोच देखे छी कि एमएलए के कि कांग्रेस के कि फलाना पार्टी के वही हिसाब से छुट्टिया के अहाँ बच्चा के खाजा दे छी। बच्चा तो बाल बोध है अहाँ दस बच्चा के बीच में एगो बच्चा के अगर अहाँ खाजा नहीं देवे बच्चा के आत्मा पर मन पर की गुजरत हेतु से हम अहाँ अनुभव कर सके छी। अहू के हम सब ध्यान हुनका देलियन कि अई तरह के भेदभाव अहाँ सब नहीं करियो अ पर सुधार करू। विद्यालय के हर हिसाब पारदर्शी नहीं केने आ भ्रष्टाचार में लागल समेत प्रधान अध्यापक यादव पर आरोप लगाओल गेल छ। दबाव बढ़ला के बाद यादव अपन अनुकूल के ऑडिट रिपोर्ट मात्र प्रस्तुत करे स्थानीय संजय ठाकुर बतौलने। भ्रष्टाचार लुकाब प्रधान अध्यापक यादव उल्टे अपना सब पर षड्यंत्र क के मुद्दा दर्ता कराबक लेल एखन सक्रिय रहल हुनक कहब छल। झाड़ नहीं के नीचे अगर हिसाब नहीं है कुछ हिसाब ये नहीं गलत है तो हमरा सब के बिल भरपाई के सही के हिसाब चाहिए ओकर बाद हम सब एके मान सबके रोबर में वो हेडमास्टर खुद कह रही कि हम अहाँ के दो दिन के टाइम दिए दो दिन बाद जो है हमारे बिल भरपाई सहित के हिसाब दे लेकिन अहाँ सब एगो समिति बनाकर कुछ कम आदमी के संख्या में अहाँ सब एगो समिति बनाकर आओ। हम सब ओते वही मन से आग्रह कने रही सबके ओतः सब पार्टी के अहाँ के प्रतिनिधि लगात सब पार्टी के आदमी ओतः उपस्थित रहती कि अहाँ सब पार्टिये जाते अगर देवे तो अभिभावक हिसाब से देवे तो अहाँ सब दू दू आदमी जाकर सब आदमी दियो के सब समिति में रह तो कुछ आदमी दिल के कुछ आदमी नहीं दिल के तो वही टाइम दस आदमी ग्यारह आदमी के एक समिति बनाकर जकर कॉपी जो है मैंने फोटो खींच कर जन पर सस दोनों लगे थे अपन हिसाब से रिपोर्टो कहने छथिन ओकर बाद सडनली हम सब दू दिन बाद अबे छी तो अहाँ के हेडमास्टर स्कूल में नहीं रहते। इमर प्रधानाध्यापक यादव अपना सब औपचारिक रूप में सबहे के रोहबर में हर हिसाब बुझा चुकल कहित व्यक्ति पीछे सब के हिसाब बुझाव आवश्यक नहीं रहल बतौलन। ओ अपना ऊपर हाथ पात कैल गेल कहित मुद्दा दर्ता करेबाक प्रक्रिया में अपना एखन रहल धारणा रखलन। आइए अपने के पांच रुपए के नहीं पांच रुपए के हर हिसाब के संबंध में अपने के हम अहाँ के कभी कहे सब बोलिए मैंने सूचना काट के मेयर उप मेयर नगर प्रमुख शिक्षा के प्रमुख नहीं वार्ड के वार्ड अध्यक्ष सूचना जनप्रतिनिधि वार्ड अध्यक्ष अध्यक्षता में सब दिन जनप्रतिनिधि के सामने में रहकर हम हर हिसाब मान लो सब चीज दे दिली है नहीं पूरा के पूरा मान लो हम जते रहे प्रतिवेदन से सार्वजनिक सबके दे दिलिये नहीं मान लो हर हिसाब मान लो हम व्यक्ति व्यक्ति चाहे नहीं दे सकते हरेक आदमी के मान लो सूचना बुझे चाहे कुछ भेल तो मान लो संबंधित निकाय है नगर पालिका भेले चाहे अन्य निकाय सब है नही जाके कह सकिए और उनका हम एक पक्ष है एक पार्टी के जबरदस्ती करती हमारा ये दिए हम तो नहीं दे सकते सब आदमी को देखिए
अपने कदा छिए कि कहियो हम हर हिसाब द देने छिए बुझलिए अपने जनकपुर ठीक छै सिलसिला में अली घटना एनी आइल के हमरा सब के हर हिसाब अभी हम मान लियो अखन त स्कूल में नै छी हम स्कूल के हमरा मान लीजिए हमरा पर हाथ पात भेले दुर्व्यवहार भेले नै ठीक के लागि हमरा मुद्दा दाता के हम छी तैयारी में वही में हमरा मुद्दा दाता अभी नै भ रहल है बुझलिए तीन चार दिन सब दूर अभी है आइकाल्हि होइ छै आप ठीके छी हम मान लियो वही में हम जा रहल छी वही काम में लागल छी अखन त हम विद्यालय के शिक्षा देवे वाला पवित्र स्थान के रूप में लेल जाइत अछि मुदा शांति क्षेत्र कहल गेल विद्यालय सब में पछिलका समय देखल जाय वाला अव्यवस्था तथा विकृति से हमरा अहाँ सबक शिक्षा क्षेत्र कतौ पहुँच रहल अछि ई बात हम अहाँ सब सहजे अनुमान कऽ सकै छी अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह जनकपुर धाम धनुषा के देउरी प्रवाह में आनहर रहल कहित इलाजे नहीं करवा रहल आ बहुते दिन से बैसल मोतिया बिंदु रोग लागल दूटा बचिया बरामद भेलै छ देवरी प्रवाह में शुक्र दिन तेज कोहली आ रोहित फाउंडेशन तथा श्री जानकी आँखा अस्पताल जनकपुर धाम के संयुक्त आयोजना में भेल निःशुल्क आँखि उपचार शिविर में आयल बीमार सब के जाँच के क्रम में एखन धरि इलाजे नहीं करौने 10 वर्षीय आ 16 वर्षीय बचिया सब देखल गेलै छ उ बच्चा सब छोटे से आनहर रहल कहित घर परिवार सब इलाजे नहीं करवा रहल छल मोतिया बिंदु नीक हो वाला रोग रहल नहीं तो 10 वर्ष के लक्ष्मीनिया मंडल आ 16 वर्ष के रंजीता कुमारी यादव अनहार जीवन बिताब बाध्य भ रहल छलन शादी में गेल छियै सब के बियाह त एकरो मन हेते ने कि हमहु जवान है हमरो बियाह शादी होत नहीं होत हेते तो एक से ऑपरेशन करा देवे तो एक ब्याह शादी होते बढ़िया घर परिवार में है एक आँख के कारण से लिख पढ़ नहीं सकल के कमती में से कम ब्याहो शादी भ जे अहाँ के बहुते भार हलुक भ जात ना क्या कौड़ी देखी हाथ में अभी नहीं देखा घर तो एक ऑपरेशन कर देवे हुनका सबके इलाज संभव रहल नेत्र अधिकृत रुदल प्रसाद शाह जानकारी देने रोग के इलाजे नहीं करा कर अनहार जीवन बिता रहल था पेला के बाद अपना सब के आश्चर्य लागल जानकी आँखा अस्पताल व्यवस्थापन समिति के सभापति गंगा राम यादव जानकारी देने ओकरा सबके रवि दिन जानकी आँखा अस्पताल जनकपुर धाम में निःशुल्क शल्यक्रिया कयल जाय तकर बाद ओ सब देख में सक्षम होयत आ ओ बतौलने इस आगू भेल शिविर समुद्घाटन कार्यक्रम में समितिक सभापति समाजसेवी यादव विभिन्न गाम घर में गरीबी विपन्नता तथा अशिक्षा के कारण अस्पताल धरि आवर नहीं सकल बीमार सब के लक्षित कक निःशुल्क आँखि इलाज शिविर संचालन करित आयल धारणा रखलने अन्हार में रह क अंधार रह का आँख रहित में अंधा भ मर जाए है उकर बेटा भतीजा उकर पोता उकरा इलाज नहीं करवे बहुत आदमी के पोता है विदेश में है बहुत आदमी के बेटा जो है विदेश में है पैसों रहित में उकरा इलाज जनकपुर में नहीं करवा सके है जनकपुर के आँख के ऑपरेशन करवा के लिए अपने के 8,000, 4,000 और 14,000 एक ऑपरेशन के लिए है पैसा तो दो दें पैसों उकरा ला है और नहीं कहते बुढ़वा बुढ़िया भत्ता है जो तो 4,000 आजकल बुढ़वा बुढ़िया के जेब में है मैं जो उकरा जनकपुर ला जा लगी कोई साथ में उकरा इलाज के कर बैठे तो आँख रहित में जे के एक आदमी के हम देखल मर गए अपन इलाज नहीं भेल आई ये हम अपने के ठाम ले अपने के जांच फाच के करा रहल छिए ई जांच फाच होय त अपने के जकरा जकरा जे अपने के दवाई लिखते दवाई लिए पड़ते आ जे आदमी का ऑपरेशन का के ठीक हुआ वाला होते ओकरा 1 रुपया ऑपरेशन के जे अपने के देब फीस नहीं लगते दवाई में ओकरा 1 रुपया नहीं लगते आ ओई के बाद में जे अपने के ओकरा इलाज क क चश्मो द क शुक्रदिल संचालन कयल गेल
निःशुल्क आँख इलाज शिविर में 149 गोटे आँख इलाज करौने जाहिमे से 79 गोटे में मोतियाबिंदु देखल गेल शल्यक्रिया कर प्रभाक बीमार सबके अस्पताल में बजाओल गेल हुनका सबके शल्यक्रिया दवाई चश्मा निःशुल्क देवे के साथे यातायात खर्च समेत उपलब्ध करेबाक अस्पताल जनौलक शिविर में नेत्र अधिकृत शाह सहित के स्वास्थ्य कर्मी सबके टोली खटल छल अस्पताल ऐसागु खजूरी बटेश्वर बोहरबा घोड़घास टिमकिया कपिलासा गोबराही बेलही मठियानी लगायत के ठाम सब में निःशुल्क शिविर संचालन करैत आबि रहल अछि। शुक्र दिन 30 अंतर्राष्ट्रीय अपांगता दिवस नेपाल में समेत विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल अछि। ओहि अवसर में धनुषा के कचुरी में नेपाल तराई अपांग संघ रैली निकालने छल। हमर प्राथमिकता के आधार अपांगता भेल व्यक्ति के अधिकार मूल नारा के साथ अपांगता भेल सब ई दिवस मनाब रहल छन। रैली में सहभागी लोकन अपना सबके दया नहीं अधिकार के गारंटी कर प्रबाक मांग कलक ओ सब अपांगता भेल सब के शिक्षा के प्रत्याभूति शिपमूलक तालीम लगायत के व्यवस्था कर समेत मांग कलक अपना सबके लिए स्थानीय तह कोनो समेत काम कर नहीं सकल हुनका सबके ऊपर आ गए शिक्षा में जोर दिए के चाहिए अपांग से शिपमूलक तालीम में जोर दिए के चाहिए से नहीं स्थानीय से कोनो अथी नहीं आ रहा है कोनो किस्म के से कहे से देती से नहीं दे रहा है कोनो किस्म के जे चीज चाहिए हमरा सबके से अधिकार हमरा सबके मिल सके कोशिश से कर रहा है। रैली के पश्चात भेल एकटा कार्यक्रम में प्रदेश दू के पूर्व मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव अपांगता भेलाह सब के हक हित के लेल योजना सब लाभ के लेल सरकार के कर्तव्य रहल धारणा रखने छ। ओ फरक क्षमता के व्यक्ति सब के सपांग से समेत अब्बल काज फरब ओ फरक क्षमता भेल व्यक्ति सब सपांग से समेत अब्बल काज के ने बहुते उदाहरण सब रहल धारणा रखने छ। तो सरकार के जिम्मेवारी छै सरकार के दायित्व छै जे फरक क्षमता भेल साथी सब के कोन चीज में रुचि छै ओकर अहाँ के क्षमता अभिवृद्धि करक लागि केहन किस्म के कार्यक्रम सब लाभ पड़तै ओकरा सब के आवश्यकता की छै ओ सब पूरा करक के दायित्व सरकार के छै आ सरकार के करबाक चाही तीन स्तर तक के सरकार के जिम्मेवारी पड़ि रहल छै। मिथिला बिहारी नगरपालिकाक जसपा नगर अध्यक्ष सीता यादव अपांगता भेल सबके भेदभाव आ उपेक्षा कर नहीं होबाक चाही कहैत हुनका सबके सपांग से समय बेसी आदर आ सत्कार होब पड़बाक बतौने छलनि। ताहि दुआरे अपांग के भेला के नहि अपेक्षा के नहि उनका सपांग से बेसी आदर भाव सामाजिक सद्भाव हौसला के जरूरी छै। राष्ट्रीय जनगणना 2068 अनुसार नेपाल में कुल जनसंख्या के करीब 2% व्यक्ति अपांगता भेल सब है। विश्व के करीब 15% आदमी में कोनो ना कोनो किस्म के अपांगता रहल अध्ययन सब देखबैत अछि। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ दिसंबर 3 में अपांगता भेल सबके अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनेबाक घोषणा के अनुसार नेपाल में समेत ई दिवस मनाब के शुरू कयल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस प्रदेश नंबर 2 के सभापति में संस्थापन पक्ष से रौतहट के सभापति कृष्ण यादव उम्मीदवारी घोषणा कलने जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना का देवबा समूह के नेता सब यादव अपना सब के पैनल से सजिया उम्मीदवार भेल घोषणा करैत अन्य पद सब में तालमेल के लिए अन्य समूह सब के आह्वान कलक। देवबा पक्ष के नेता रमेश रिजाल के अनुसार कृष्ण यादव के नेतृत्व में संपूर्ण कार्य समिति घोषणा क चुनाव में जेबाक जानकारी कराओल गेल छ। कृष्ण यादव जी लाई आशीर्वाद प्रदेश सभापति उम्मीदवार बनाएको छ। अरु कार्य समिति बसेर साथीहरु महेन्द्र जी अरु जिल्लाका पार्टी सभापतिहरु बसेर अरु उपसभापति महामन्त्री उपमहामन्त्री कोषाध्यक्ष कोषाध्यक्ष त पछि हुन्छ अरु कार्य समितिको चाहिँ घोषणा संस्थापन पक्ष के उम्मीदवार यादव समावेशी कार्य समिति बनाब स्वयं पहल करबाक आ प्रदेश 2 में कांग्रेस के एकता बद्ध कर अगाड़ी बढ़बाक बतौने छलनि। धन्यवाद दिन चाहन्छु म आभारी पनि छु
र हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्छौँ र हाम्रो के भन्छ आगामी दिन पनि एक साथ के अरे बुझिदिनेछ भनेर म विश्वास दिन चाहन्छु। मेरो राजनीति पृष्ठभूमि भनेको म बिएससी एजी गरेको मान्छे हो। मेरो क्षेत्रमा एकदम संगठन न्यून संगठनलाई आज जल्दो बल्दो एउटा अस्त के अरे आकाश के अरे छोइने हिसाबले हामी संगठन बनाएका छौँ र रौतहट जिल्लामा पनि एकदम राम्रो संगठन सब साथीसँग मिलेर के अरे अहिलेसम्म वातावरण बनेको छ। उम्मेदवार यादव के दोसर उम्मेदवार के रूप में चर्चा में रहल महतरी के सभापति महेंद्र यादव समेत समर्थन कलक। पत्रकार सम्मेलन में उपसभापति विमलेन्द्र निधि समूह बाहे के नेता सब के उपस्थिति छल। पौड़ेल समूह के समेत किछ नेता सब के उपस्थिति देखल गेल। प्रदेश दू में देउवा आ पौड़ेल समूह मिलकर जेबाक संकेत देखल जा रहा है। निधि समूह के दिस से प्रदेश नंबर दू के मंत्री आ कांग्रेस के संसदीय दलक नेता समेत रहल राम सरोज यादव उम्मेदवारी घोषणा कर चुकल। इम्हर प्रदेश नंबर दू के कार्य समिति चयन करबाक लेल रवि दिन मात्रे चुनाव होयबाक देखल गेल। अधिवेशन संयोजक नेता रिजाल के अनुसार मतदाता नामावली नै अयला सँ शनि दिन साँझ धरि प्रतीक्षा करबाक आ संभव नै होयत त विवादित क्षेत्र के छोड़ि कऽ रवि दिन निर्वाचन में जेबाक बतौलनि। अधिवेशनहरू अलि आजसम्म हुने अवस्थाको कारणले सबै साथीहरूलाई समेटेर लगौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। तर अब कोही कुनै निर्वाचन क्षेत्र भोलिसम्म नआयो भने छुट्न पनि सक्छ, त्यस कारण तर यो कार्य समिति बनाउन जरुरी छ। क्षेत्रीय यो प्रदेश कार्य समिति जो हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ, निर्वाचन आयोगमा पनि त्यो व्यवस्था छ, त्यस कारण त्यो बनाउनको कारणले बनाउनै पर्ने बाध्यता भएको हुनाले हामी बाध्य छ भन्छ। तर समय 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा 5 घंटा यताउति भन्ने मात्र हो, अन्यथा कार्य समितिको निर्वाचन। प्रदेश दू में एक दिस निधि समूह आ दोसर दिस संस्थापन आ पौड़ेल समूह के प्रतिस्पर्धा होयबाक वातावरण के निर्माण भ रहल अछि। जनता समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विगत में महत्वपूर्ण आंदोलन आ मधेश जनविद्रोह सहित के कारण देश में परिवर्तन भेल रहितो उपेक्षित वर्ग के अवस्था जेहने के तेहने रहल धारणा रखने। जनकपुर धाम में पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासंघ नेपाल शुक्र दिन आयोजना के नेपाली एकीकरण तथा भातृ संगठन घोषणा सभा के संबोधन करित पूर्व उप प्रधानमंत्री समेत रहल अध्यक्ष यादव नेपाल में संघीयता लोकतंत्र गणतंत्र धर्मनिरपेक्षता मौलिक हक सहित के उपलब्धि सब महत्वपूर्ण मानल गेल रहितो उपेक्षित जनता के अवस्था नहीं बदलना दुखद बात रहल बतौलन। विगत के महत्वपूर्ण आंदोलन और विद्रोह के कारण से संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल कहै छी, संघीयता गणतंत्र समावेशिता धर्मनिरपेक्षता मौलिक हक ये महत्वपूर्ण उपलब्धि छी। लेकिन उपेक्षित जनता के अवस्था जहिना पहले रे तहिना आई छे। गांव के गरीब के जीवन में देश में पिछड़ा वर्ग एखनो वंचितीकरण में पड़ल होना कहब छलन। पहिल संविधान सभा के क्रम में संविधान निर्माण करे के बेर में पिछड़ा वर्ग कहि के शब्द संविधाने में उल्लेख कराब सफल भेल रहितो दोसर संविधान सभा में गणित के कारण शब्द में मात्र सीमित भेल यादव के धारणा छलन। वर्ग कह के शब्द के संविधान में भी प्रयोग भेल। संविधान निर्माण के समय में पहलुक संविधान सभा में पिछड़ा वर्ग के मुद्दा के आगे लायल गेल रही, लेकिन दोसर संविधान आप सभा में आबिकऽ उस संविधान सभा के गणित परिवर्तन भेला के चलते फिर उस शब्द में सीमित रह गए। कार्यक्रम में जसपा नेपाल के नेता सांसद सब सहित जनप्रतिनिधि सब के सहभागिता छलन।
न्यूज में अपने बाकी समाचार। प्रदेश दू के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर झा प्रदेश सरकार गुणस्तरीय लैब परीक्षण करवाक लेल प्रतिबद्ध रहल बतौलन। प्रदेश दू जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला द्वारा जनकपुर धाम में भेल विस्तारित लैब सेवा सभक अभिमुखीकरण कार्यक्रम में मंत्री झा प्रयोगशाला से गुणस्तरीय सेवाक लेल सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलन। ओ प्रयोगशाला के थप विस्तार करवाक क्रम जारी रहल धारणा रखने छलनि। विकासको लागि बाटो खोज्छ त्यसै कारणले म आफ्नो मित्र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई बधाई दिइराखेको छु। तपाईँहरूको मेहनतले खास गरेर श्रवण कुमार मिश्राको नेतृत्वमा हाम्रो प्रयोगशाला जुन बनेको छ म त चाहन्छु यसको अझ कुनै पनि चीजको विकास अवरुद्ध हुँदैन, विकासको गति चल्दै रहन्छ। कार्यक्रममा प्रदेश दू नीति तथा योजना आयोगके उपाध्यक्ष डाक्टर भोगेन्द्र झा, प्रमुख सचिव सामाजिक विकास मन्त्रालयके सचिव इम नारायण श्रेष्ठ, विज्ञ डाक्टर लोकेन कृष्णदास मानन्दर, डाक्टर एएन ठाकुर, डाक्टर प्रमोद रिजाल, डाक्टर पुष्पराज खनाल, डाक्टर उदयकान्त झा, प्रादेशिक प्रयोगशालाक प्रमुख डाक्टर श्रवण कुमार मिश्र लगायतक सबके उपस्थिति छल। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जल्दी से जल्दी देश चुनाव में जाय प्रभाक बतौलन। शुक्र दिन काठमांडू के थापाथली स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय में दोसर कार्यकाल के लिए अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करेत अध्यक्ष ओली संचारकर्मी समक्ष वर्तमान सरकार से देश चल नहीं सकवा कहित जल्दी से जल्दी चुनाव में जाकर नया सरकार गठन कर प्रभाक धारणा रखने। वो सत्तारूढ़ पांच दलीय गठबंधन सरकार लोकतंत्र के आधार ढाई देने तथा देश के भद्रगोल आ गतिहीनता के अवस्था में पहुंचा देला से अय अवस्था के अंत कर समेत ताजा जनादेश में जेनाई के विकल्प नहीं रहल स्पष्ट कलने। अध्यक्ष ओली सत्तारूढ़ किछ दल सब के काम बिगाड़ के आ ढाहा के बाहेक और किछ नहीं भेल दाबी समेत कलने। गतिहीनता देशले लामो समय भोगिरहन सक्दैन, त्यसकारण हामी सधैँ भनिरहेका छौँ छिटो भन्दा छिटो ताजा जनादेश। अध्यक्ष ओली आगामी अगहन 28 गतेको लेल आह्वान कयल गेल संसद बैसारमे समेत अपना सबके अवरोध रहबाक आडान यथावत रहबाक दौर होलेने छ। राष्ट्रपति विद्या भंडारी आगामी अगहन 28 गते संघीय संसद बैसार आह्वान केने छथि, मुदा ओहि बैसारमे समेत संसद चलन नहि देबाक अध्यक्ष ओली चेतावनी देने छ। ओ अपन पार्टी निष्कासन केने माधव नेपाल सहित के सांसद सबके बैसारमे आउत भेलासँ अपना सब संसद बैसार फेरसँ चलन नहि देबाक संकेत केने छ। ओ सब गैर सांसद भेलासँ हुनका सब ओ सब संसद में आयल त एमाले संसद चल नहीं देबाक अध्यक्ष ओली के अड़ान दोहराओल गेल। अध्यक्ष ओली सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सत्तारूढ़ गठबंधन संग अपवित्र साठ गांठ क अपन पार्टी के फोड़ के काम केने कहित आक्रोश समेत व्यक्त कलने। अध्यक्ष ओली अपन पार्टी के दशम महाधिवेशन एकदमे सफलता के साथ सम्पन्न भेल दावी समेत कलन। नेकपा माओवादी केन्द्र के थाई कमिटी बैसार से विधान परिमार्जन करवाक लेल पांच सदस्यीय उपसमिति बनेबाक निर्णय कलक। सोगर दिन पार्टी कार्यालय पेरिस डाड़ा में बैसल पार्टी के थाई कमिटी के बैसार से विधान परिमार्जन करवाक लेल पांच सदस्यीय उपसमिति बनेबाक निर्णय कलक। विधान परिमार्जन उपसमिति में देवगुरुंग, पंफा भूषाल, लीलामणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा आ मातृका यादव रहल छथि। त उक्त उपसमिति आबवला अगहन 25 गते धरि विधान परिमार्जन कऽ लेत पार्टी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा जानकारी देने छ। तेना प्रवक्ता महरा राष्ट्रीय सम्मेलन में आबवला प्रत्येक सदस्य सबके प्रवेश शुल्क 2000 रुपया तोकल गेल समेत जानकारी देने छ। ओ राष्ट्रीय सम्मेलन के लेल व्यवस्थापन उपसमिति सब बनाओल गेल समेत धारणा रखलन। विसार से हितमान साके के नेतृत्व में व्यवस्थापन उपसमिति, कृष्ण बहादुर महरा के नेतृत्व में प्रचार प्रसार उपसमिति बनेबाक निर्णय कयल गेल। तेना विसार से राष्ट्रीय सम्मेलन के लेल स्वयंसेवक उपसमिति आ स्वास्थ्य उपसमिति बनेबाक निर्णय समेत कयल गेल। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपाक अध्यक्ष कमल थापा आ नेता राजेंद्र लिंगदेन अध्यक्ष के लिए मनोनयन दर्ता करौने छथि। शुक्र दिन पार्टी के नेतृत्व के लिए अध्यक्ष थापा आ नेता लिंगदेन अपन अपन पैनल सहित राष्ट्रीय सभा में पहुँच कर मनोनयन दर्ता करौलने। मनोनयन दर्ता के बाद संचारकर्मी सब संगे बातचीत करते अध्यक्ष थापा स्वयं अत्यधिक बहुमत से विजय हासिल करवाक धारणा रखने। वो स्वयं फिर से नेतृत्व में चुनौला के बाद अध्यक्ष के दोसर उम्मीदवार राजेंद्र लिंगदेन लगायत सबके समेट के पार्टी के अगाड़ी बढ़ेबाक
धारणा राख्ने नै छ। नयाँ र युवा पुस्ता तयार हुँदैछ भन्ने यो सङ्केत हो र अहिले जुन उम्मेदवारी भर्खरै हामीले दिएका छौँ यो उम्मेदवारीको मुख्य रूपले तिनवटा उद्देश्यहरू छन्। पहिलो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकतालाई अक्षुण्ण रूपमा कायम राख्ने। मनोनयन दर्ताका बाद अध्यक्षके दोस्रो उम्मेदवार राजेन्द्र लिङदेल एखनके नेतृत्व परिवर्तन पार्टीके कार्यकर्ता सबके लेल बाध्यकारी आ पार्टी उठावला कामके सिलसिलाके एकटा प्रस्थान बिन्दु हेबाक बतौलनि। ओ स्वयं विजय भेलमे राप्रपा बाहर रहल राजावादी आ हिन्दू राष्ट्रवादी सबके एकीकृत कऽ कऽ नेतृत्वमे आयल छ महिनाभित्र राष्ट्रिय शक्तिके निर्माण करैत आगामी चुनावमे पार्टीके मजबूत शक्तिके रूपमे स्थापित करेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयने छलनि। मेरो कुनै व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा पद प्राप्त गर्ने आकाङ्क्षाले प्रेरित गरेर दिइएको उम्मेदवारी होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो 31 वर्षको इतिहासमा आज जुन अवस्थामा आइपुगेको छ त्यसबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अझै तल जान नदिनको लागि र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई उठाएर देशको अग्रणी पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नको लागि हामीले एउटा अनिवार्य र बाध्यकारी कदमको रूपमा यो नेतृत्व परिवर्तनलाई लिएका छौँ र यो नेतृत्व परिवर्तन चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूको लागि एउटा पार्टी निर्वाचन समिति मनोनयन दर्ताको लागि दिने समय अवधिभित्र अध्यक्षमे कमल थापा आ राजेन्द्र लिङदेन दू गोटेके उम्मेदवारी दर्ता भेलै। तेना उपाध्यक्षके लेल महिला कोटामे रोशन कार्की आ लीला देवी श्रेष्ठ रहल छथि त जगत प्रसाद गौतम रामचन्द्र राय यादव विक्रम पाण्डे ध्रुव बहादुर प्रधान बुद्धिमान तामाङ दुर्गा देवी श्रेष्ठ सहित आठ गोटेके उम्मेदवारी पड़ल अछि। तेना महामन्त्रीमे महिला दिश रेखा थापा कुन्ती कुमारी शाहीके नाम दर्ता भेल अछि त पुरुष दिश धवल शमशेर राणा श्याम प्रसाद तिमिल सिन्हा भुवन कुमार पाठक भास्कर भद्र सहित छ गोटेके उम्मेदवारी पड़ल अछि। नेपाल बार एसोसिएसन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराके राजीनामा माग करैत आन्दोलनके निरन्तरता दऽ रहल अछि। शुक्र दिन समेत सर्वोच्च अदालत परिसरमे प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराके राजीनामा माग करैत एसोसिएसन अपन आन्दोलन जारी रखने अछि। ओहि क्रममे बारके अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश जबरा कोरोना पॉजिटिव भेल अवस्थामे स्वास्थ्य प्रोटोकॉल पालना समेत नहि कऽ कऽ दोसर न्यायाधीशके कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश बनऽ नहि देबक लेल जबरदस्ती अपना डिस्चार्ज भेल आरोप लगौलनि अछि। अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश जबरा कोरोना पॉजिटिव भऽ कऽ आइसोलेशनमे बैसल व्यक्ति सर्वोच्च अदालतके प्रशासनिक कामके लेल हस्ताक्षर केनाइ उपयुक्त नहि होयबाक धारणा रखलनि। ओ कोरोना प्रोटोकॉल अनुसार कोरोना पॉजिटिव भेलासँ न्यायालयके काम करऽ नहि मिलबाक धारणा रखने छलनि। काङ्ग्रेसके सांसद राधेश्याम अधिकारी आ नेकपा माओवादी केन्द्रके सांसद रामनारायण बिराडी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसदमे महाभियोग लगेबाक तयारी भऽ रहल धारणा रखलनि अछि। नेपाली कङ्ग्रेसके राष्ट्रिय सभाक सांसद अधिकारी महाभियोग लगाकऽ पदच्युत करनाइ संविधानसम्मत होयत भेलासँ प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध संसदमे महाभियोग लगाबऽ उपयुक्त होयबाक समेत तर्क रखलनि अछि। शुक्र दिन काठमाडौँमे आयोजित कार्यक्रममे ओ अदालतके कोनो समेत न्यायाधीश कानूनसँ ऊपर नहि भेल पुष्टि करऽ समेत प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाभियोग लगाबऽ देरी नहि करबाक चाही धारणा रखलनि अछि। नेकपा माओवादी केन्द्रक सांसद बिराड़ी प्रधान न्यायाधीश जबराके महाभियोग लगाबक लेल यह अघन 28 गते संघीय संसद बैसार आह्वान कयल गेल बतौलनि। ओ प्रधान न्यायाधीश जबराके भ्रष्ट के संज्ञा दैत छानबीनके लेल 11 सदस्यीय संसदीय छानबीन समिति गठन होयबाक जानकारी समेत करौने छलनि। सांसद बिराड़ी संसद सँ महाभियोग लगौलाके बाद मात्रे प्रधान न्यायाधीश जबराके बहिर्गमन होयबाक धारणा रखने छलनि। नेपालमे थप 246 गोटेमे कोरोना भाइरसके संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयके अनुसार शुक्र दिन 246 गोटे नयाँ संक्रमित थप्याएल अछि। पछिल्का 24 घण्टामे 7836 गोटेके कोरोना परीक्षण केलापर ओतेक सङ्ख्यामे संक्रमित थप्याएल अछि। 6400 गोटेके पीसीआर परीक्षण आ 1436 गोटेके एन्टिजेन परीक्षण कयल गेल छल। नेपालमे एखन 6921 गोटे सक्रिय संक्रमित सब अछि। 347 गोटे नीक समेत भेल मन्त्रालय जनौलक अछि। शुक्र दिन बाला चतुर्दशी हरेक वर्ष अघन महिनाके कृष्ण चतुर्दशीके दिन बाला चतुर्दशी पाबनि मनाओल जाइत अछि। शिव मन्दिर सबमे सतबीज छिटैत बाला चतुर्दशी मनाओल जाइत अछि। त्रयोदशीके दिन साँझमे दिवंगत पितृके नाममे अखण्ड दीप प्रज्वलन कऽ कऽ बैसल भक्तजनसभ एहि दिन पितृके
सदगति के कामना करित सतबीज छीटक के प्रचलन रहल अछि। एहि अवसर में काठमांडू उपत्यका के पशुपति सूर्यघाट गौरीघाट आर्यघाट गुहेश्वरी मृगस्थली विश्वरूप किरातेश्वर गोकर्णेश्वर आ संतानेश्वर लगायत के शिव मंदिर सब में सतबीज छीटक के प्रचलन रहल अछि। पशुपतिनाथ मंदिर में शुक्र दिन भीड़ भाड़ देखल गेल अछि। सतबीज कहनाय के अर्थ सही किस्म के बीया रहल रहितो एखन सतबीज धान जौ तिल गहूम चना मकई कागुनो छीटल जाइत अछि। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में एक दाना पशुपतिनाथ मंदिर में एक दाना बीज छिटला पर एक दाना सून दान केने बराबर के पुण्य मिलबाक आ दिवंगत व्यक्ति के आत्मा समेत मुक्ति पैबाक जनविश्वास अछि। ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व के संपदा कास्ट मंडप के पुनर्निर्माण काज सम्पन्न भेल अछि। शुक्र दिन कास्ट मंडप पुनर्निर्माण समिति पत्रकार सम्मेलन करित कास्ट मंडप के पुनर्निर्माण सम्पन्न भेल घोषणा कयलक अछि। 2072 साल के भूकंप सँ ढहल कास्ट मंडप के पुनर्निर्माण काज सम्पन्न भेल आ एहि बेर देश के विभिन्न स्थान सब सँ लाओल गेल काठ सब कास्ट मंडप बनाबक लेल प्रयोग कयल गेल। समिति के अध्यक्ष तथा बागमती प्रदेश के सांसद राजेश शाक्य जानकारी देलनि अछि। अध्यक्ष शाक्य पुनर्निर्माण के क्रम में कास्ट मंडप में एखन काठ बाहेक ईटा माटि ईटा तामा लगायत के सामग्री सब के प्रयोग कयल गेल समेत जानकारी देलनि अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। बागमती प्रदेश ऊपर 8 विकेट के शानदार जीत निकालित सुदूर पश्चिम प्रदेश राजधानी में जारी YY अंडर 19 पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश कयलक अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में भेल खेल में सुदूर पश्चिम बागमती प्रदेश के हरबैत लुम्बिनी संग उपाधि प्रतिस्पर्धा के लिए स्थान सुरक्षित कयलक अछि। 6 खेल मध्य 4 खेल में जीत निकालने सुदूर पश्चिम नीक रन रेट बनबैत शीर्ष 2 में रहल फाइनल में स्थान सुरक्षित कर सफल भेल अछि। लुम्बिनी संग उपाधि भिड़ंत के लिए स्थान बनाबे के क्रम में 96 रन के लक्ष्य सुदूर पश्चिम 32.1 ओवर में 2 विकेट गुमा के पूरा कयने छल। एहिसँ आगू टॉस हारि के पहले बैटिंग कयने बागमती 30.1 ओवर में सब विकेट गुमा के मात्र 95 रन बनाब सकल छल। एहि संगे राजधानी में जारी YY अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता में राउंड रोबिन लीग के खेल सब सम्पन्न भ गेल अछि। प्रतियोगिता में फाइनल खेल रवि दिन खेलल जायत। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर सँ। विवाह पंचमी महामहोत्सव शुरू, पहिल दिन नगर दर्शन कयल गेल। धनुषाक मिथिलेश्वर महुआई स्थित सामुदायिक विद्यालय में विद्यार्थी के बसिया जल खरीद देल गेल खुलासा। विद्यार्थी सब संग सब प्रदर्शन आ कार्रवाई के मांग। धनुषाक प्रवाह में 10 आ 16 वर्षीय दूटा बचिया में मोतिया बिंदु देखल गेल। आन्हर रहल कहित परिवार इलाजे नहीं करबैत आयल खुलासा। कांग्रेस प्रदेश 2 अधिवेशन उद्घाटन में सीमित, मतदाता के नामावली निष्कर्ष नहीं लागल, शनि दिन मात्र चुनाव होयत। आमदेश आंदोलन सहित के महत्वपूर्ण आंदोलन से प्राप्त परिवर्तन से उपेक्षित वर्ग के अवस्था में सुधार आब नहीं सकल, जसपा अध्यक्ष यादव के दावी। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर, अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।